एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं उनके सांसद अभी भी अपने दल बल के साथ धौंस जमाने में जुटे हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है, जहां सदर तहसीलदार अरविंद कुमार ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर फोन पर जाति सूचक शब्द कहने का आरोप और घर में घुसकर मारपीट करने की भी बात कही। मेरे मोबाइल नंबर पर माननीय सांसद जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक सूची भेजी थी परसों, तो उस पर राशन वितरण नहीं हुआ है। हमने यही बताया कि वो सूची हमने नायब साहब को दी थी, नायब साहब चिन्हित करके सभी लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो सांसद जी ने कहा किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, तो हमने कहा सांसद नायब साहब सूची से वितरित किए हैं, अभी मैं 10 मिनट में आपको बता रहा हूँ कितने लाभार्थियों को उसमें से वितरित कर दिया गया है, जो बचेंगे उनको वितरित करा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद सांसद जी जो है गाली देने लगे माँ बहन की। हमने कहा सांसद जी गाली न मत दीजिए, तो कहीं आ रहा हूँ मैं, गाली देते हुए कहे कि अभी मैं आ रहा हूँ, कहाँ बैठे हो, तहसील में आ रहा हूँ। तो मैंने ये डीएम साहब को, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को बताया कि माननीय सांसद जी मुझको गाली दे रहे हैं और धमकी दिए हैं कि तहसील में आ रहा हूँ मारने। इसके बाद फिर जब बाद में पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मैंने एसडीएम साहब से बात की कि साहब वो आ रहे हैं यहाँ पर, साहब ने कहा कि आप वहाँ से हट जाइए। तो मैं आवास पर चला आया, फिर आवास पर सब लोग गेट खोल कर अंदर घुस गए, लगभग 30-35 की संख्या में थे माननीय सांसद। जब मेरा दरवाज़ा पीटने लगे, बच्ची और पत्नी मेरी अंदर से रोने लगी, तो मैं डर गया कि कहीं अंदर न घुस गए लोग, मेरी पत्नी वगैरह के साथ बदतमीजी करें मारें। तो मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गया, तो वहीं सांसद जी बैठे थे मेरी कुर्सी पर। बाहर मैं जब बैठता हूँ वहाँ सांसद जी, माननीय सांसद जी बैठे थे। मैंने तो सांसद जी ने कहा कि ये हमने मेरी सूची में वितरण क्यों नहीं किया। हमने कहा सर वितरित करा रहा हूँ, नायब साहब सूची वितरित करा रहे हैं। तो उन्होंने जो है, मैं मोबाइल हाथ में लिया था, मोबाइल छीन लिए और 20-25 लोग थे, और सांसद जी मुझे थप्पड़ से पीटने लगे, उनके साथ जो 20-25 लोग थे वो भी मुझे गिरा गिरा कर मारने लगे। तहसीलदार अरविंद कुमार की बातों से आपको पता चल गया होगा कि इनके अनुसार पूरा मामला क्या है। सोशल मीडिया में एक फोटो भी सांसद सुब्रत पाठक की वायरल हो रही, जिसमें वो हाफ पैंट में दिखाई दे रहे हैं और उनका सिक्योरिटी गार्ड भी दिख रहा है। इस तस्वीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर मारपीट के वक्त की है। हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते। आपको यहाँ बता दें कि तहसीलदार के साथ सांसद की मारपीट के बाद एसडीएम शैलेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांसद सुब्रत पाठक सहित 4 लोगों पर नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन के उल्लंघन और SC ST एक्ट सहित 10 धाराओं को भी शामिल किया गया। हालांकि अभी तक इस मारपीट पर सांसद सुब्रत पाठक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। कन्नौज से गौरव चौरसिया की रिपोर्ट।